हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोफिस्टिक लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आज हम उसके फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर्स क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के, व्हाई वी यूज क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, फर्स्ट फीचर इज कॉस्ट। ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। क्यों कॉस्ट इफेक्टिव है? आप रैदर देन कि आप उस सर्वर को लोकली सर्वर को बाय करें, उससे बेटर है कि आप उसको ऑनलाइन रेंट पे ले लीजिए। उस सर्वर की फैसिलिटीज़, उसकी यूटिलिटीज़ को आप ऑनलाइन यूज़ कीजिए। आप उसकी ऑनलाइन सर्वर्स जो हैं क्लाउड पे प्रेजेंट्स हैं, जितने भी सर्वर आपके क्लाउड पे प्रेजेंट हैं, आप उनका यूटिलाइजेशन कीजिए, उनके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कीजिए। और उसके लिए आपको करना पड़ेगा, सिर्फ रेंट पे करना पड़ेगा। ऑन रेंट आप उन्हें ले रहे हैं, ऑन डिमांड आपको वो चीज़ मिल रही है, और यू आर जस्ट पेइंग फॉर दैट यूटिलिटी। ओके, सेकेंड वन इज स्पीड। अगर आप स्पीड ही देखेंगे तो आपकी स्पीड क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग में स्पीड? क्योंकि आपको और बहुत सारे, जैसे अगर तो आप लोकली सर्वर लेते हैं तो आपका बहुत सारा जो टाइम है वो डिवोट हो जाएगा आपके बहुत सारे एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी इश्यूज़ और मेंटेनिंग इश्यूज़, और लाइक यू हैव टू हाउ यू कैन रिस्क एनालिसिस। ओके, सो ये सारी जो स्पीड के कारण, स्पीड जो है आपको ज़्यादा किससे मैक्सिमम मिलेगी? थ्रू इंटरनेट। आपके लिए जस्ट हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए आपको इस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का क्या मतलब होता है? कि आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, जितनी आपको रिक्वायरमेंट्स हैं उतनी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उतने रिसोर्सेज को। आप इन रिसोर्सेज को स्केल अप कर सकते हैं और स्केल डाउन भी कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आपको जितनी यूटिलिटी है, अगर आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए और ज़्यादा, पहले आपके पास कुछ रिसोर्सेज थे, आपने उनका यूटिलाइजेशन किया और आपको लगा कि मुझे कुछ और रिसोर्सेज चाहिए, तो आप उसको स्केल अप कर सकते हैं उन रिसोर्सेज को। और अगर आपको लगा कि पहले ज़्यादा मेरे को रिसोर्सेज नीडेड थे, अब मेरे रिसोर्सेज इतने मुझे नहीं चाहिए, तो आप उसे स्केल डाउन भी कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ इसके लिए। सपोज़ कीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें 1000 employees थे, ठीक है, 1000 employees थे, और उनकी एकदम मतलब उनका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया उस ऑर्गेनाइजेशन को, और 10,000 तक एम्प्लॉयज़ जो थे उन्होंने उसी ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 employees बढ़ गए। ओके, 10,000 तक एम्प्लॉयज़ हो गए, तो क्या हुआ? बेसिकली उन्हें रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, पहले से ज़्यादा चाहिए, और सपोज़ वो क्लाउड कंप्यूटिंग को ही यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो क्लाउड कंप्यूटिंग के यूज़ करने के कारण ही क्या कर सकते हैं? सिंपली अपने रिसोर्सेज को स्केल अप कर सकते हैं। उन्हें पता है कि अब मुझे जो रिसोर्सेज है मुझे वो बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके अकाउंट में कुछ ना कुछ तो उन्हें रिसोर्सेज देना पड़ेगा, उन्हें कुछ ना कुछ तो एलोकेट करना पड़ेगा, तो इसलिए वो रिसोर्सेज को अप कर देंगे, मतलब स्केल अप कर देंगे। और इन केस उन्हें लगा कि अब उन्हें रिसोर्सेज की नीड ज़्यादा नहीं है, जैसे सपोज़ अगर वही कंपनी घाटे में चल जाती है, मीन्स उसे ही लॉस हो गया, तो 10,000 से 1,000 employees वहाँ पर उस कंपनी में रह गए, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे पता है कि मुझे अब स्केल डाउन करना पड़ेगा उन रिसोर्सेज को, क्योंकि वो रिसोर्सेज की उन्हीं रिसोर्सेज का पेमेंट करेगा जिसे वो यूज़ कर रहा है। उसे पता है कि ये मेरे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, तो वो उन रिसोर्सेज का पेमेंट क्यों करेगा? तो वो सिंपली अपने स्केल डाउन कर देगा रिसोर्सेज को। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्टिविटी। आपकी प्रोडक्टिविटी और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी विद द क्लाउड कंप्यूटिंग। आपको पता है मुझे कितने रिसोर्सेज चाहिए, आप उनका यूटिलाइजेशन करेंगे परफेक्टली, तो आपका जो है प्रोडक्टिविटी वो भी इंक्रीज़ होगा। रिलायबिलिटी, आपको ये रिलायबिलिटी देता है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, आपकी ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपने डिवाइस पे यूज़ करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी और प्राइवेसी, मींस आपको यहाँ पर आपको इंक्रिप्शन प्रोवाइड की जा रही है कि आपके डेटा को पहले तो कोई एक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे सर्विस लेवल एग्रीमेंट साइन होता है, बट इन केस अगर वहाँ पर आपका सिक्योरिटी इशू आ भी जाता है तो वहाँ पर इंक्रिप्शन जो है इंक्रिप्शन फॉर्म में आपका डेटा रहेगा, तो अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस भी करता है तब भी वो उसको उसमें से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग।
टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग कितने तरह का है। सबसे पहला क्लाउड कंप्यूटिंग इज प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है कि ये एक ऐसा क्लाउड है जिसमें किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री के लिए ही एक आपने क्लाउड जो है उसने क्लाउड में कुछ जो जगह है कुछ रिजर्व कर ली है और वही उस ऑर्गेनाइजेशन के जो बंदे हैं वही उसको यूज़ कर रहे हैं। अब पब्लिक क्लाउड में क्या है कि जनरल पब्लिक भी उस यूटिलिटी को यूज़ कर रही है। इसमें जनरल पब्लिक जो है वो भी इस यूटिलिटी को यूज़ कर सकती है। जैसे कि प्राइवेट, प्राइवेट मीन्स लोकली, तो लोकली ही ये यूज़ हो रहा है क्लाउड। और पब्लिक मीन्स ग्लोबली, ग्लोबली इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो ले रही है वो यूज़ कर सकती है। और हाइब्रिड क्लाउड में क्या किया गया है, इन दोनों की एडवांटेजेस को ऐड किया गया है। इसमें क्या है कि आप देखिए, अगर तो प्राइवेट होगा तो उतना ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। क्यों कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा, किसी पर्टिकुलर अगर आपको पता है कोई प्राइवेट आपको कोई चीज़ मतलब चाहिए, ठीक है, प्राइवेटली आप चाहते हैं कि मेरे अलावा उसको कोई एक्सेस ना करे, तो उसके लिए तो आपको कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी। बट इन केस पब्लिक, आपको कॉस्ट एफिशिएंट यहाँ पे रहता है इन पब्लिक में। बट हाइब्रिड में क्या है, हमें इन्हीं फैसिलिटीज़ को, इन्हीं की बेनिफिट्स को बीच में यूज़ किया गया है। इसमें हम एक ऐसा क्लाउड क्रिएट करते हैं जिसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहे, कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहे, और इसके अलावा हमारे जितना भी क्लाउड है इसको ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ कर सके और जनरल पब्लिक भी यूज़ कर सके। ओके, तो एक तरह का ब्रिज एक्ट करता है बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक। दैट्स ऑल फ्रेंड फॉर दिस टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड द फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। लेटर ऑन वी विल डिस्कस द वेरियस टॉपिक्स ऑफ दिस क्लाउड कंप्यूटिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।